आप किसी बुक में सिर्फ पढ़ रहे हो तो याद नहीं होगा, लेकिन अगर आप पढ़ने के साथ साथ विजुअलाइज कर रहे हो तो याद हो जाएगा। मैं आपसे बोलूं चलो पांच शब्द याद करके, याद करो फटाफट से, मैं बोलूंगा। मैं पहला बोलता हूं चलो पेन, दूसरा बोलता हूं माइक, तीसरा बोलता हूं फरारी, चौथा बोलता हूं गिटार और पांचवा बोलता हूं लाइट। ठीक है, अब मैंने बोला और मैं आपसे अगर दोबारा पूछूं तो शायद आपको याद ना हो, लेकिन अगर आप उसको विजुअलाइज कर लो, मैं बोलूं पेन तो आप आंखें बंद करके भी आप याद करोगे तो सारी याद हो जाएगी। आप बोलो पेन, आंखें बंद करके विजुअलाइज करो, ओके पेन, दैट्स फाइन, एक इमेज बन गया आपके दिमाग में। तो आपको ऐसे करके अगर आप माइंड में विजुअलाइज करते हो चीजों को तो आप बहुत शार्पली याद कर सकते हो। जितना आप विजुअलाइज करोगे उतना आपको याद होगा। सो विजुअलाइज करो, ड्रीम करो, जो आपने पढ़ा उसको सोचो आंखें बंद करके एक बार। और मैं ये काम बहुत बार करता हूँ, विजुअलाइज करने का काम बहुत बार करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं अगर कोई चीज पढ़ लेता हूँ तो उसके बाद मैं आंखें बंद करता हूँ, थोड़ी देर किताब को साइड में रख देता हूँ और जो मैंने पढ़ा उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करता हूँ, कोई स्टोरी बनाने की कोशिश करता हूँ। बहुत बार मेरे को चीजें बहुत आसानी से याद हो जाती है, क्योंकि मैं ना आसपास की चीजों से उन चीजों को रिलेट कर लेता हूँ।